हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है बहुत मिस कर रहे हैं आपको, तो क्या है उनके जज्बात, यही जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो में से हम 5 कार्ड लेंगे और ओरेकल में से 10 कार्ड। एक, दो, तीन, चार और ये 5। कुछ नए डेक कल अमेज़ॉन से ऑर्डर किए हैं, अगले हफ्ते तक शायद वो मिल जाएंगे, देखते हैं। हर एक डेक की अपनी अपनी एक एनर्जी होती है। जैसे दुनिया में इतने सारे लोग हैं लेकिन सब लोग एक ही एनर्जी से रोज दिन भर में नहीं बिहेव करते, वैसे ही डेक का भी होता है। हर एक डेक कुछ ना कुछ कहता है और जब वो डेक हमसे कनेक्ट होता है तो और भी बातें खुल के सामने आ जाती है। कहीं से यूनिवर्स से हेल्प मिलती है ताकि जो स्पेसिफिक कार्ड्स आने होते हैं वही आ जाते हैं। किसी न किसी के लिए तो कुछ ना कुछ मैसेज होता है। एक, दो, तीन, 4 और ये 5 आ गए। 6, 7, 8, 9 और ये 10। शुरुआत करेंगे हम टैरो से। पहला ही कार्ड है हर्मिट का, तो आप समझ ही सकते हैं ये वर्गो का कार्ड है। आपका या उनका साइन हो सकता है वर्गो, तो शायद आप दोनों नो कांटेक्ट में हैं थोड़े वक्त से। हो सकता है कुछ लोगों की बातचीत नहीं हो रही है, ये आउट ऑफ द ब्लू आप तक रीच आउट होने के बारे में सोच रहे हैं। जैसे यहाँ पे ये कुछ लाइट की वजह से कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा है ये पर्सन, वैसे ही आपके पर्सन शायद अपने कुछ सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और उनका दिल उन्हें बार बार यही बता रहा है कि चाहे तुम कितना भी मुझे बहलाने की कोशिश करो, मुझे तो अगर ज़िंदगी में कुछ चाहिए तो वही पर्सन चाहिए, मैं उसी के बारे में सोचूंगा। और ये जब दिल की उनकी हालत होती है तो वो कितना भी खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, यानी कि आपके साथ कांटेक्ट में रहे या ना रहे, आपसे मिले ना मिले, बातें हो ना हो, फिर भी उनका दिल जो है वो आपके ख्यालों से उन्हें बाहर नहीं आते था। शायद इसलिए आपको बहुत मिस कर रहे हैं। नेक्स्ट है 5 ऑफ सॉप्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। ये पर्सन शायद कुछ लोगों से सलाह मशवरा कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं, मतलब हो सकता है कुछ इनके वेल विशर हो या फिर ऐसे कोई पर्सन जिन्हें ये दोस्त मानते हो या फिर जिनसे वो कुछ मुश्किल हालत में गाइडेंस लेते हो, तो ये पर्सन उनकी बातों में आके हर एक का जिंदगी का मिला हुआ जो हमें एक्सपीरियंस होता है वो अलग रहता है। जैसे मान लीजिए एक ही हॉस्पिटल में अगर 4 पेशेंट है तो सबको ट्रीट करने वाले डॉक्टर भले ही अलग अलग हो, उनको मिलने वाली दवाई, फिर वहाँ का स्टाफ और फिर वहाँ का माहौल, उस डॉक्टर की हेल्प करने की जो एक मेंटालिटी रहती है, उस तरह से कई बार कुछ अलग अलग बातें हमें फेस करनी पड़ती है। लेकिन लोग क्या कहते हैं, हाँ उस हॉस्पिटल में गए थे ना, मतलब हाँ वैसा ही होगा, ये अच्छा हॉस्पिटल है, ये बुरा हॉस्पिटल है, ये टैग सिर्फ लगाते रहते हैं लोग। लेकिन हर किसी को मिलने वाला जो एक्सपीरियंस होता है वो अलग होता है। वैसे ही जब कभी पर्सन थोड़ा कंफ्यूज होता है ज़िंदगी में, उसको लगता है मैं किसी से सलाह मशवरा कर दूँ, तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए, मेरी ऐसी हालत है, तुम तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस पर्सन हो, तुम्हें पता होगा, तुम तो शादीशुदा हो या फिर तुम्हें तो प्यार हुआ था। लेकिन सबकी सिचुएशन एक जैसी नहीं होती, ये मोस्टली लोग भूल जाते हैं और इसी वजह से और भी ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो ये पर्सन शायद और भी ज़्यादा कन्फ्यूजन में पहुँच चुके हैं और जिस वजह से उन्हें शायद कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ये बात करना तो चाहते हैं लेकिन खुद की बातों को ये ऐसे पैरों तले डाल रहे हैं। जैसे यहाँ पे ये 2 शॉर्ट्स हैं वो नीचे गिरी हुई हैं और 3 शॉर्ट्स इस पर्सन ने हाथ में उठाई है और यहाँ पे 2 पर्सन फिर भी डिस्कशन कुछ कर ही रहे हैं, तो शायद ये पर्सन दूसरों की बातों में कुछ ज़्यादा ही आते हैं। नेक्स्ट है किंग ऑफ शॉर्ट्स, यहाँ पे भी एयर साइन है जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। यहाँ ये कार्ड तो पूरा स्टबर्नेस की एनर्जी बताता है। किंग है यानी कि वो राजा है,
वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन ये पर्सन अपनी जगह से हिलने को तैयार नहीं है। उन्होंने अपने ही हार्ट के ऊपर ये क्रॉस बना के रखा है कि मुझे नहीं बात करनी। जब कोई रूठ जाता है तो कैसे हाथ ऐसे बांध लेता है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, ऐसे हार्ट के पास हाथ फोल्ड कर देते हैं, नहीं मैं नहीं हिलूँगा अपनी जगह से। इस तरह की स्टबर्ननेस की एनर्जी में वो है। और ये क्यों है? क्योंकि उन्हें बात करनी तो है, लेकिन वो चाहते हैं कि पहले शुरुआत आप करें। तो ये अपने दिल के ऊपर काबू करने की कोशिश कर रहे हैं। ये देख रहे हैं आप, ये क्रॉस बना है, हार्ट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट है सेवन ऑफ सॉर्ड्स। कितने सारे सॉर्ड्स के कार्ड आए हैं आप खुद ही देख लीजिए। पांच में से तो तीन कार्ड है। यहाँ पे भी ये टेंट यहाँ पे लगा हुआ है, लेकिन ये पर्सन यहाँ से वापस ही जा रहा है। मतलब उन्हें पता है कि आपसे किस तरह से कम्युनिकेशन किया जा सकता है, कुछ दिल की बातें शेयर की जा सकती है, भले ही ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन आई मिस यू अगर सच्चे दिल से मिस करते हैं तो ये कहना तो कुछ बुरा नहीं है, उसमें तो कोई गलत बात नहीं, लेकिन ये भी वो कहने से हिचकिचा रहे हैं, वहाँ से बैकआउट कर रहे हैं। नेक्स्ट है थ्री ऑफ सॉर्ड्स। और यहाँ पे यूँ हो रहा है कि भले ही वो आप तक रीच आउट नहीं हो रहे, यानी कि आपको ये महसूस नहीं करवा रहे कि वो आपको कितना मिस कर रहे, लेकिन उनका दिल तो सच्चाई जानता है। वो अपने आप से तो झूठ नहीं बोल सकते ना, भले ही कितना भी कोई इंसान किसी को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करे या फिर ऐसे दिखाने की कोशिश करे कि आई एम नॉट केयरिंग अबाउट यू, आई एम नॉट केयर अबाउट यू ऐसा, लेकिन फिर भी उनके दिल को तो पता होता है कि वो किसकी फिक्र करते हैं, वो किसके बारे में सोचते हैं और किसके बारे में सोच के उनके दिल को ज़्यादा फिक्र होती है। नेक्स्ट है थ्री ऑफ वैट्स। फायर साइन एरियस लियो या फिर सैजिटेरियस। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये जो पर्सन है वो सिर्फ इंतज़ार कर रहा है। जैसे यहाँ पे ये जहाज आ रहे हैं, वैसे ही शायद आपके पर्सन आपकी तरफ से कोई एक्शन हो इसके लिए इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ पे भी आप समझ सकते हैं ये पर्सन किस तरह से खुद को बहलाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे उन्हें शायद यकीन है कि ये जहाज ज़रूर उन तक पहुँच जाएंगे, इसको किनारे से हिलने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ही आपके पर्सन को भी शायद ये लग रहा है आज नहीं तो कल आपको भी तो उनकी याद आएगी और तब जाके कहीं आप उनसे कॉन्टैक्ट करेंगी या करेंगे, तब ये आपको शायद अपनी दिल की बातें बताएंगे। देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या कहते हैं। फीलिंग इनसिक्योर। तो ये जो भी पर्सन है वो शायद काफ़ी लोगों की बातें सुन रहा है, जिसकी वजह से कुछ ज़्यादा ही इनसिक्योर हो रहे हैं और उन्हें शायद समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें क्या ना करें। और इनसिक्योर फील होने की वजह से आप समझ सकते हैं उनको कितना मन करता होगा आपसे बात करने का। नेक्स्ट है फियर। जो लोग शायद इन्हें गाइडेंस कर रहे हैं वो उनके वहम को हटाने की बजाय उनके दिल में शायद और भी ज़्यादा डर को जगा दे रहे हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन फियर की एनर्जी में ज़्यादा है। नेक्स्ट है मूडीनेस। तो आपके बारे में सोच तो रहे हैं लेकिन दिल की बातें सुननी भी नहीं है, बाकी लोगों की बातें सुननी है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मूडीनेस से वो गुजर रहे हैं। यानी कि जब आप सोच देख सकते हैं, भले ही आप किसी भी पर्सन के बारे में सोचें, वो ख्याल ऐसे होते हैं कि आप अगर किसी को दिल से मिस करो तो बाकी किसी बात में आपका मन नहीं लगता, भले ही काम में हो, कोई मूवी देखने जाए, कोई कहीं घूमने फिरने जाए, लेकिन उसका मन नहीं लगता। ये मूडीनेस हमें फेस करना ही पड़ता है। अ प्लेयर। तो राइट नाउ शायद वो थोड़ा सा प्लेयर की एनर्जी में भी ट्राई करने के बारे में सोच रहे हैं, यानी कि खुद को बहलाने के लिए। हो सकता है किसी के साथ यूँ ही जस्ट टाइम पास के लिए कुछ बातें कर रहे हैं, कुछ ऐसी फ्रेंडशिप, जैसे आपको भी पता है कि डेटिंग साइट्स वगैरह तो अब पुराना हो गया सब ये बातों का मसला, तो ऐसे ही जस्ट किसी के साथ यूँ ही फ्लर्ट किया, कुछ बातें की, कुछ मन को बहलाने की कोशिश की, ऐसा भी शायद वो कर रहे हैं। लेकिन उन्हें एहसास हो रहा है कि इतना करने के बावजूद भी जो दिल है वो आपके बारे में सोचना नहीं बंद कर पा रहा। कनेक्टेड हार्ट। तो ये पर्सन जितने भी दूर है आपसे, लेकिन उन्हें उनका हार्ट का कनेक्शन आपसे कनेक्टेड है ये फील ज़रूर हो रहा है। और जिस वजह से अगर हार्ट का कनेक्शन है तो इनके हार्ट बीट बजते ही वहाँ आपकी धड़कन मान लीजिए उन्हें महसूस हो रही है, जिसकी वजह से उन्हें लग रहा है कि वो आपको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं। पैशनेट सोल। तो इन्हें भी पता है कि इनके अंदर भी एक पैशनेट सोल है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं खुद को कि मैं सिर्फ इंतज़ार करूँगा, मैं कोई एक्शन नहीं लूँगा या नहीं लेने वाली, लेकिन ये बहुत पैशनेट है। और जब पैशनेटली कोई किसी के बारे में सोचता है तो खुद को कंट्रोल कर पाना इतना आसान नहीं होता। डील विथ रिग्रेट। तो कुछ बातें हैं जिनकी वजह से इन्हें थोड़ा सा पछतावा भी हो रहा है,
में भी कुछ बातें हैं इनके पास जो बहुत पहले इन्हें आपसे कह देनी थी। हो सकता है उनके जज्बात हो, या फिर वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो प्यार किस तरह से महसूस कर रहे हैं, कितना डीपली आपको चाहते हैं, ये सब हो। लेकिन शायद वक्त रहते उन्होंने ये बात नहीं कही, और अब जब आप दोनों में शायद दूरियां हैं, मे बी नो कॉन्टैक्ट है, बातचीत बंद है, तब इस पर्सन को एहसास हो रहा है कि वो आपको कितना मिस कर रहे हैं। इमोशनल ब्लैकमेल, तो कई बार उनका मन करता है कि आपको इमोशनल ब्लैकमेल किया जाए, यानी कि राइट नाउ भी हो सकता है आपसे नो कॉन्टैक्ट करके ये पर्सन शायद आपको ब्लैकमेल करने की एनर्जी में है। मतलब इमोशनली ऐसा दिखाएंगे कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम क्या कर रहे हो या क्या कर रही हो, लेकिन इन रियल जब आप ये फील करेंगे और उनकी केयर करते हुए उन तक रीच आउट होंगे, तो ये पर्सन उस तरह से आपको शायद ब्लैकमेल करने के बारे में भी सोच रहे हैं। मतलब सीरियसली कुछ नहीं, लेकिन आपके जज्बातों को चेक करने के लिए, आपके हार्ट को पड़तालने के लिए ऐसी कोशिश हो सकती है अ ड्रीमर। तो राइट नाउ ये सिर्फ और सिर्फ सपने देख रहे हैं, और जैसे डे ड्रीमिंग होता है कि खुली आंखों से देखे जाने वाले सपने, वैसे ही शायद ये पर्सन उन लोगों के साथ हो जिनसे वो सलाह मशवरा कर रहे हैं, भले ही काम में हो, भले ही अकेलेपन की एनर्जी में हो, उनके जो दिल की हालत है वो सिर्फ और सिर्फ सपना देख रहा है, और सपने में कहीं ना कहीं आप उनसे कनेक्टेड हैं। फाइनल कार्ड है यूनियन, तो ये पर्सन सच्चे दिल से चाहते हैं कि आप दोनों यूनियन में आ जाए और ये हो जाए, इसके लिए शायद ये सबसे सलाह मशवरा कर रहे हैं। तो अगर ये यूनियन चाहते हैं तो आप समझ सकते हैं आपको कितना मिस कर रहे होंगे। तो जनरल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर।